हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। हम जानते हैं संधारित्र किसे कहते हैं। किसी भी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना हम उसकी धारिता को बढ़ा सकते हैं, तो ये युक्ति क्या कहलाती है, संधारित्र। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें श्रेणी क्रम संयोजन की आवश्यकता क्यों होती है, तो हमें कभी कम धारिता कभी अधिक धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो संयोजन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक श्रेणी क्रम संयोजन का है। हम अगले पार्ट में समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसके लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक चालक तार बनाएंगे। ये बन गई हमारी चालक तार। अब इस चालक तार को हम क्यू आवेश देते हैं। जैसे ही इस चालक को आवेश दिया जाता है तो इसके निकटवर्ती तल पर क्या माइनस आवेश, दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके निकटवर्ती तल पर माइनस आवेश, दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश हो जाता है। हम बाकी संधारित्रों में इसका संबंध पृथ्वी से कर देते थे, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन करना है तो इसके साथ हम अन्य चालक लेते हैं। इस प्रकार पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध हम दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से कर देते हैं। इस प्रकार इन संधारित्रों में आवेश प्रेरित हो जाता है और अंतिम प्लेट का संबंध हम पृथ्वी तल से कर देते हैं। माना कि ये C1 धारिता का संधारित्र है, ये C2 धारिता का और ये C3 धारिता का संधारित्र है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ आवेश एक क्रम में बह रहा है ना, एक क्रम में प्रेरित हो रहा है, तो इसका विभव क्या होगा, V1, V2 और V3। आवेश जब समान होगा तो विभव अलग अलग होगा और जब आवेश अलग अलग होगा तो विभव समान होगा। ये है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब हम जो कुछ भी चित्र में किए हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि चित्रानुसार तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनकी धारिताएं क्या हैं? इनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, तो ये भी हम लिखेंगे। क्योंकि आवेश समान है तो विभव अलग अलग होगा, तो हम लिखेंगे कि Q आवेश देने पर संधारित्रों का विभव V1, V2 और V3 हो जाता है, ठीक है। इतना सब समझ आ गया ना। अब देखिए, हम अगले पार्ट में चूंकि समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पर विभव V1, V2, V3 है, विभव अलग अलग है यहाँ पर क्योंकि आवेश समान है, लेकिन संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में आवेश अलग अलग होगा और विभव समान होगा। तो हम वो ही चीज ज्ञात करेंगे जो अलग अलग है। तो यहाँ हम अलग अलग संधारित्रों का अलग अलग विभव ज्ञात करेंगे, ठीक है। पहले संधारित्र का विभव क्या हो जाएगा, V1। V1 बराबर क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं धारिता के फॉर्मूले से, V1 हम कैसे निकालेंगे, धारिता के फॉर्मूले से निकालना है। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C Q/V। ये धारिता का फॉर्मूला है। यहाँ से हम V का मान निकाल लेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन में Q क्या है, समान है, लेकिन C का मान क्या है, अलग अलग संधारित्र के लिए अलग अलग है। तो V1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q/C1, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र में Q1, Q2, Q3 अलग अलग आवेश होंगे, लेकिन श्रेणी क्रम में आवेश समान है।
अब दूसरी प्लेट का विभव, दूसरे संधारित्र का विभव हम निकालेंगे। दूसरे संधारित्र का विभव क्या हो जाएगा? V2 बराबर Q अपॉन C2। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र का विभव हो जाएगा V3 बराबर Q अपॉन C3। अगर परिणामी विभव V हो तो ठीक है। अब हमें टोटल विभव निकालना है, तो हम लिखेंगे कि यदि परिणामी विभव V हो तो, यदि परिणामी विभव V होगा तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम यहाँ V1, V2, V3 की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है Q अपॉन C। तो यहाँ हम V की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। यहाँ हमें क्या कॉमन दिख रहा है? Q कॉमन दिख रहा है। हम Q को कॉमन उभयनिष्ठ निकाल कर Q को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से तो Q अपॉन C ही होगा, ये हो जाएगा यहाँ से Q बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है। यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? इस प्रकार Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गई तुल्य धारिता, इसका व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो ये भी हम लिखेंगे। तो इस प्रकार संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। यही संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन है। तो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, है ना। आशा है कि आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।